जो एक बिल्कुल अलग तरह की पुस्तक है। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नागर सिंह। नागर जी ये कथाकार अच्छे हैं, कथा की भाषा भी है और पत्रकारिता भी थी, तो पत्रकारिता में रिपोर्टिंग की जो एक शैली होती है, जो दृष्टि होती है, वह भी है, इतिहास की समझ है और सबके माध्यम से एक खास तरह के समाज और जीवन की जो पूरी कथा है कोठागोई की शैली में, इसलिए नाम भी इसका कोठागोई है। एक बिल्कुल अलग तरह की किताब लिखी गई है, इसे किस विधा में रखेंगे तो बाद में तय होगा, फिलहाल यह हिंदू की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हमारे सामने है कोठागोई। पहली बात तो मुझे अच्छी लगी जी, तो हिंदी को नया शब्द दिया, किस्सा गोई तो छोटी थी, कोठा गोई नहीं होती थी, अलग तरह के नाम होते थे। मैंने पुस्तक के 12 अध्यायों की किताब है कोठा गोई, उपन्यास की तरह पढ़ता हूँ, रोचक बहुत और बहुत रोचक है। कहीं भी कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो ऊप पैदा करे, उत्सुकता बनी रहती है, कुतूहल बना रहता है। उपन्यास से अधिक रस इस पुस्तक को मिला है तो ये देख करके तो बड़ी प्रीति का राष्ट्रीय मुझे हुआ। अध्याय में कोठा गोई में किस्सा गोई देखे, कोठे वालियों पर नायिकाओं पर और चीज़ें भी लिखी गई हैं, जैसा मैंने कहा कि वैशाली की नगर वधु पर भी लिखा शुरू हुआ, परंपरा तो बहुत परंपरा पुरानी है। लेकिन ये जो गायिकाएं हैं निजी निगाह से देखा जाता है लेकिन की कला पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और उनकी कहानी जिस तरह से पिरोई है, उस कहानी को पिरोने के सिलसिले में आप देखें तो पहली बात मुझे जो लगी और जो कहने का अंदाज है और बहुत अंतर्वेशी कथा है, बहुत चीज़ों को समेटे हुए हैं, मंदिर की कथा है पूरी तरह से, यानी और पूरा जीवन शुरू में अपने जो भूमिका लिखी है तो अंत में कहता है कि याद आ रहा है सीतामढ़ी के रामनवमी के मेले पर सुनैना के नाच का एक गीत, जिन बाबू ने दिया रुपया वे हैं मेरे दिल के अंदर, मैं हूँ उनकी हेमा मालिनी वे मेरे धर्मेंद्र। ये आप कोठागोई के किस्सों का आनंद ले इत्यादि। तो इस प्रकार से गुमनाम गायिकाओं के बारे में आखिर भारतीय संगीत को जिंदा रखने का काम और उसकी एक परंपरा वहाँ रही और वहाँ मुजफ्फरपुर शहर में गायिकाओं की जो परंपरा थी वो बिल्कुल वो दूसरी तरह की नहीं थी, बिल्कुल वहाँ एक से एक कलाकार गायिकाएं थी, उसकी चर्चा भी और खूब चर्चा की गई है इसलिए। और इसके बहाने एक अच्छी बात है कि गर्द की पुस्तक होते हुए भी गाने कविताएं भरी हुई हैं, एक भी ऐसा कहीं ऊँ ये पैदा नहीं करता। सबसे पहले तो इन्होंने मंदिर की कथा लिखी हाँ। और वो सबसे ज्यादा रोचक है मेरे लिए भी, मैं उस शहर का रहा अच्छा। लेकिन उस मंदिर को देखा है लेकिन ये पता नहीं था कि ये मंदिर इतना पुराना है, इसका कोई इतिहास हाँ। है और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी भूमिका रही है, तो एक तरह से शोध करके पूरी उस कथा को पहले लिखा। मैं सोच रहा था सांस रोके कि ठीक है गायिकाओं की तो चर्चा हुई लेकिन उसी मुजफ्फरपुर में और किसी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जैसा कवि रहता है उसकी चर्चा कर रहा है कि नहीं, और निकालता है मौका कि नहीं, अंत में निकाल लिया मौका और फिर अंतिम प्रणाम उनको लोक देवता कहा है। इसके साथ तो शेर इसने कहा है कि जो नामवर बड़े थे गुमनाम सो गए, कुछ बस्तियों में कातिल हुक्म हो गए, धागों से भरा दामन जिसका यहाँ है जितना, टोपी पहन पहन के इमाम हो गए। अपने किस्से के बारे में टिप्पणी करते हुए कविता लिखता है, कविता पर भी लगा अखर असल खुदाई बाकी हिस्सा, खत्म कहानी बाकी किस्सा, अपनी गांठें अपनी बाँचें यही बचा है अपना वैसा, गली गली मातम है फसा, ना उन्निशा ना है विशा। तो इस तरह से ये जो गद्य पद्य मिश्रित और भाषा पर तो इसका अद्भुत कमांड है, एक हिस्सा इसका देख लेते और इसके बाद तो इसकी चर्चा करते। यही होता है मुहामुहिम के किस्सों में, जीप थोड़ी इधर उधर फिसल जाती है, थोड़ी बहुत फिसली जरूर है मगर इतना है कि चतुर्भुज स्थान की अमर सभ्यता की अमिट कहानी का वैभव यहाँ मौजूद है, वो वैभव जो कभी तिरहुत की शान था। 19वीं शताब्दी में जब तिरहुत शिक्षा का, व्यापार का, आधुनिकता का, क्लबों का, बाजार का केंद्र था, कहते हैं उस जमाने में रातों में चतुर्भुज स्थान के चौराहे, उसकी गलियों में,
इतनी रोशनी रहती थी कि तक सुबह हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। चतुर्भुज उस स्थान के फनकारों की रोशनी उसे और रोशन बनाती है। बताती हूँ, उस दौर में शहर की महिलाओं में विलायती स्नो पाउडर का चलन चतुर्भुज स्थान की गायिकाओं के बारे में सुन सुन कर चला। बाहरी आबादी यहाँ अलग अलग इलाकों से आधुनिकता की हवा लेकर आ रही थी और सारी हवाएं चतुर्भुज स्थान में जाकर मिल जाती थी। बाजार बढ़ता गया, रौनकें बढ़ती गई, किस्से फैलते गए। कोशिश यही थी हर इलाके का रंग इन किस्सों में आ पाए। अब भी चतुर्भुज स्थान मौजूद है, लेकिन कहते हैं इसका फन, इसकी रंगत अब वो नहीं रही। यही तो रोना है कि अब वो नहीं रही, लेकिन यकीन मानो अब भी आप उसकी गली में भटकेंगे तो अनजान घूमती आंखें आपको न जाने कितनी गुमनाम किस्सों का पता देती रही है। हर खिड़की एक नया नजारा देती है और हर नजारे का एक किस्सा होता है। ऐसा लगता है जैसे कहानियों के किरदारों की तरह यहाँ लोग बैठे हैं। कहानियाँ घूम नहीं जा रही है, किरदार बचे नहीं गए। अंत में एक बार फिर जगत नक्षत्र याद आ रही है, यहाँ के किस्सों के वही शाहिर किरदार। कहाँ से आए, कहाँ गए, चार पहर दुनिया में देगा, चार पास पर जाना है, चार ही लोग बचे सब संगी, बाकी भरत बहाना है। कहे नक्षत्र सुनो गुणवंतो, दुनिया संगत खाना है। हर क्या तुम्हें कविता देता है, जीवन सब सिखला देता है, दिन में रात दिखा देता है। महफिल महफिल जिसको पाया, तन्हा वही बना देता है। जिसकी हंसी खुशी देती है, एक दिन वही रुला देता है। जीवन सब सिखला देता है, दिन में रात दिखा देता है। एक शैली भी विकसित की है कि कैसे हम अपने लेखन को, गंभीर लेखन को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत करें ताकि व्यापक लोग उसे पढ़ सकें और उससे जुड़ सकें। एक कविता भी लिख सकते हैं, वो उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा जी। सुरों की सात गलियां और अदब का एक चौराहा, यहाँ कहवंत हैं, सुनवंत हैं, गुणवंत हैं, आहा यही वह धाम है। मिलता जहाँ हूरों का नजारा, चतुर्भुज स्थान है हर चाहने वाला का दिल चाहा। सभी आते सभी जाते, न कोई ऊंच ना छोटा, है जिसके बाल पंटी में उसी की है यहाँ वो। हाँ, इतनी आकर्षक पुस्तक, चित्रों के साथ अध्याय शुरू होते हैं, जिस तरह से विभाजन है, पुरक्षण जिसको कहते हैं, हिंदी पुस्तकों में पुरक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। शुरू में मंदिर की कथा है और आखिरी में जानकीवल्लभ जी की, जैसा आपने कहा कि शास्त्री ऊपर लिखा है, और बीच में गायिकाओं के जीवन, उनके संघर्ष, उनका दुख, उनकी करुणा और उनकी कला जी, सबको बहुत ही से। हर शहर का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है। बनारस पर तो बहुत लिखा है, बनारस तो खैर संस्कृति है, लेकिन बनारस और इलाहाबाद तो ठीक है, लखनऊ पर बहुत लिखा गया है, लेकिन बिहार के शहरों पर जितना लिखा जाना चाहिए, पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया था, लेकिन इस आदमी ने कब शुरू, मुजफ्फरपुर को तो जगह दिला। एक अलग तरह की शुरुआत कर दी, इससे अब ये हो सकता है कि अन्य शहरों में भी जो अलग तरह का जीवन है, अलग तरह का जीवन है, अलग तरह की परंपरा और संस्कृति है, जिसका कुछ मौखिक इतिहास भी है, ओरल हिस्ट्री है, लेकिन जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, तो इससे एक शुरुआत हो गई है, तो आगे और भी लोग कर सकते हैं। इस मायने में ये पुस्तक ऐतिहासिक भी है। और एक बात यह कि लोग वार बनिसाओं के बारे में जो दृष्टि है, वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बदली। कई चीज़ों को, कई अवधारणाओं को ये पुस्तक बदलेगी, इस मायने भी महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर आपने सबसे पहले ध्यान दिया, आपने चर्चा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।